गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोइंग होप्स। और ये देखिए, हमारे सामने पार्क है, बिल्कुल घर के बिल्कुल जो सामने। आज मैंने सोचा थोड़ा दिखा दूं आप लोगों को भी कि बिल्कुल जो घर के सामने पार्क है, दो पार्क हैं। और हर एक ऐसी लोकेलिटी में, जैसे और आगे जाएंगे वहाँ कुछ और घर हैं, तो उसके बीच में फिर और पार्क हैं, इस तरह से हैं। तो ये गाड़ियाँ खड़ी हैं घर के साइड पे, और उसके साथ ही रेलिंग के साथ ही पार्क शुरू है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं एक्सरसाइज के, और मतलब इतने नए हैं कि कईयों के ऊपर से तो कवर भी नहीं निकला, वो लास्टिक चढ़ा होता है ना, तो एज इट इज़ है। ये देखिए आपके ये जो गोल गोल ना राउंड वाला हाथ से घुमाने वाला, तो काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। मतलब दो तरह का पार्क है, एक तो इधर राइट साइड पे हमारे जो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, और एक इसके लेफ्ट साइड पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इक्विपमेंट्स वाला है, इसमें थोड़े से झूले भी हैं, वो स्पीड वाला है ना, वो जो ऐसे स्लिट करते हैं जिसमें स्किड करते हैं बच्चे, स्किड वाला, तो वो वाला भी है, और दूसरा ऐसे सीसॉ वाला भी है। तो इसके बाद इसके राइट साइड पे जो मैंने बोला ना खाली वाला पार्क है, तो एक ये वाला भी है। ये तो खैर एक हुआ लेफ्ट वाला, और इस तरह से ये बाहर की तरफ निकलते हुए ये पार्क होता है। तो फिर इसी के बिल्कुल ऑपोजिट ये स्लाइडिंग मैंने बोला था ना, स्लाइडर्स भी हैं लगे हुए। और इसके साथ राइट साइड पे जहाँ वाइट गाड़ी खड़ी है, इसके राइट साइड पे ये गेट है, ये देखो, जहाँ बैठने का भी बना हुआ। और ये भी एक पार्क है, इसमें भी हैं थोड़े से झूले, ज़्यादा नहीं हैं, और बिल्कुल छोटे बच्चों का भी है राइट साइड पे थोड़ा सा, जो बिल्कुल टॉडलर्स होते हैं ना उनके लिए बनाया हुआ है। तो और घूम लो आप, बैठ जाओ, सैर कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बैठने का भी बड़ा अच्छा बनाया हुआ है इसमें। और आसपास कॉलोनी है, बीच में बिल्कुल आसपास रेजिडेंस है, और बीच में ये पार्क है। तो ये सामने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे बैठने वाला, और ये छोटा सा ये है, ये भी स्लाइडर है, बिल्कुल छोटे बच्चे गिरे ना इधर उधर, तो गोल उसको कवर करा हुआ है। और ये बड़ा प्यारा एक छोटा सा एलिफेंट बना हुआ है, और इसके ऊपर बैठ सकते हैं, गद्दी बनी हुई है, सीट बनी हुई है, और नीचे इसके ना स्प्रिंग लगे हुए हैं। और ऐसी ये चिड़िया बनी हुई है, इस पर भी सीट है, ये ऊपर, इससे भी बच्चे ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे करके घूम सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ, बिल्कुल ही टॉडलर्स होते हैं ना, 4-5 साल तक के बच्चों का। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई आना जाना नहीं है, सिर्फ कभी कभी बंदर आ जाते हैं, कभी कभी आजकल दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ की तरफ रवाना हो रखे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? चलिए, वेलकम बैक टू ग्रोइंग होप्स। तो दिन की सुबह की शुरुआत मैं सोचती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ से हो जो थोड़ी सी न्यूट्रिशियस भी हो, लाइट भी हो, और मज़ा आ जाए जिसको खाने में। तो सोचा आज बनाते हैं पोहा। तो ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं दिखाती हूँ तुमको पोहा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और पोहा तो तुम्हें पता ही है, पूरा फुल्ली न्यूट्रिशियस होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसमें टोमेटो पर तो विटामिन सी, और बाकी विटामिन तो मुझे ध्यान नहीं है, पर सारी सब्जियाँ, जो जो सब्जियों में सब वाइटामिन होते हैं वो आपको भरपूर मिल जाते हैं। और अगर कहें सही शब्दों में तो वन पॉट मील हो जाता है, ये एक तरह से मील ही हो जाता है, और लाइट का लाइट। चलिए बनाते हैं पोहा। देखिए पोहा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने फ्लैटन राइस होते हैं जो, तो ये ले लिया है, इसको भिगो दिया था, चिड़वा है ना, चिड़वा होता है, और ऐसे वाला, और इसको भिगो दिया था। और ये भी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, और मूंगफली होगी, कैप्सी हो गया, एक छोटा गाजर जो जो अवेलेबल था, जरूरी नहीं है, और प्याज, हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा नींबू, और नींबू कम है तो मैं इसमें डालूंगी सिरका, आप सिरका का भी यूज़ कर सकते हो, और टमाटो, और छौंक लगाने के लिए ये क्या नाम है, करी पत्ता, करी पत्ता लगाएंगे, और एंड में गार्निशिंग करेंगे धनिया की। तो आप सिर्फ टमाटो और ये है, सिर्फ अनियन और ये और टमाटो, इनसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, पर थोड़ा अच्छा लगता है। अगर घर में अवेलेबल है तो आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए। इसमें सिर्फ काटने में जो टाइम लगता है, नहीं तो ये 2 मिनट में बनने वाली ब्रेकफास्ट है, सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट। तो आइए बनाते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाल दिया है अकॉर्डिंगली, जितना भी आपका पोहा उसके हिसाब से
तो ये मैंने लगभग इसमें सर्विंग स्पून 2 स्पून डाल दिए हैं। तो मैं सबसे पहले डालूंगी सरसों काली वाली, इसको तड़का लूंगी, तड़क जाए थोड़ा सा। डाल दूंगी इसमें प्याज, तो ये हमारी तड़क गई। साथ के साथ हम डाल देंगे प्याज जो हमने काटी है। थोड़ा सा ही डालेंगे इसमें हरी मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची हम अपने में डालेंगे। और इसको हम आराम से चला लेंगे ऐसे करके, और साथ में डाल देंगे मूंगफली। सबको हल्का हल्का करना है, फटाफट फटाफट सारे सारा कुछ डालकर जाएंगे और साथ साथ में डाल देंगे करी पत्ता। ईजी हो जाता है, बहुत ईजी है इसको बनाना, कोई भी बना सकता है। हल्के से मूंगफली भुन जाए, लास्ट थी थोड़ी सी पड़ी तो मैंने कहा चलिए खत्म कर देते हैं इसको भी। और डालेंगे थोड़ी सी अदरक बारीक कटी हुई, इसको भी हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। आपके साथ हम डालेंगे गाजर, तो फटाफट फटाफट एक एक आधे आधे मिनट के अंतराल में डालते जाना है जो सब्जियां हैं। इसको भी हम चला लेंगे, बाद बारी आ जाएगी कैप्सिकम डाल देते हैं। इसको चला लेते हैं, कैप्सिकम चला ली। सबका फ्लेवर भी आएगा गाइस इसमें ना, तो जरा बिल्कुल तेज आंच पे बनाना वो गलत बात होती है। और साथ में डाल देंगे टोमेटो, कई लोग ऊपर से डालते हैं कच्चे कच्चे, मेरे को नहीं पसंद, मैं हल्का सा पहले ही डालूंगी इसको। और डालेंगे इसे मसाले के नाम पे हल्दी, फोरमन से जल्दी जल्दी बनती है हल्दी, तो आजकल मैं ज़्यादा डाल ही रही हूँ डर के मारे, जब से वो कोरोना का चक्कर है। थोड़ी सी डाल देंगे हल्की सी धनिया, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, बिल्कुल ज़रा सी, खाई नहीं जाती हमारे घर में। और इसको चला लेंगे, और बस ऐसे खड़े मसाले खड़े ही रखने हैं इसको। उसमें उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, नमक भी मैं निकाल लेती हूँ। और थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, इसको भी चला लेंगे। तो हमने सारा कुछ इसमें ऑलमोस्ट डाल दिया है, और कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी बेबी मिर्च, बाकी कलर अच्छा है। वैसे तो हमने मिर्ची खानी है नहीं, तो ये मैंने डाल दी थोड़ी सी बेबी मिर्च भी, और सॉस ले लिया इसको। और बस ज़्यादा देर रखनी है, और डाल देंगे हम अपना पोहा, और इसको भी हम खूब मिला लेंगे। तो एक हाथ से करना पड़ रहा है, पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं जब इसको मिला लूँगी ऐसे ऐसे करके, जैसे नीचे से फटाफट ऐसे ऐसे ऊपर कर लूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे टॉस करके कैसे मिलाया है। और भी दिखा, तो देखिए मिलाने के बाद कितना सुंदर कलर आया छिलके। अब इस स्टेज में हम नींबू डाल देंगे, वैसे कि नींबू मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो मैं डालूंगी इसमें सिरका, थोड़ा टेस्ट किया था तो इतना अच्छा नहीं है, तो आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैंने डाल दिया है और उसके बाद भी मैं कुछ फटाफट चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी इवनली ताकि सीटी का भी टेस्ट सब जगह आ जाए। और ये मैंने मिला दिया गाइस, अच्छे से टॉस कर दिया। ये देखिए हमारी खिली खिली कितनी बढ़िया बनी है। लास्ट में हम डाल देंगे धनिया। ये हमारा पोहा इज रेडी, रेडी टू सर्व। और मैं इसको प्लेटिंग कर दूंगी अभी फर्स्ट क्लास। ये हमारा पोहा रेडी हो गया, तो मैं करने जा रही हूँ सर्व। मैं करूँगी बोल में, आराम से तसल्ली से खाओ। मैं तो खाती हूँ प्लेट में, मुझे प्लेट में पसंद है। ये मैंने कर दिया है बोल में सर्व, तो मैं जाती हूँ देने। डाइनिंग टेबल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मैं चाहती हूँ इसको देने सर्व करने। ये देखिए मैं अपनी प्लेट लेके आ गई पोहे वाली, तो मैं भी अब ब्रेकफास्ट शुरू करूंगी। अब बिना चाय के मेरा होगा नहीं, एक चाय मैं पी चुकी। कि गाइस मुझे ना हरी मिर्ची बड़ी पसंद है जब तक मैंने ऊपर से भी डाल दी तो टेस्टी होना चाहिए, चटपटा भी तो होना चाहिए ना, बिना चटपटा ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं लगी हूँ गाइस, देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है सामने और मैं बस करने वाली हूँ। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए टेस्टी टेस्टी न्यूट्रिशियस वाला पोहा। सच में इसमें हर कुछ है, हर कुछ। आप ये देखिए, मूंगफली है, कैरेट है, टमाटो है और अनियन है, और मैंने आज आलू नहीं डाला। जरूरी नहीं है बार बार आलू डाला जाए, तो मैंने आलू नहीं डाला। तो मैं टेस्ट करती हूँ। परफेक्ट, और ना ये ज्यादा सूखा है ज्यादा, ना ये ज्यादा बहुत गीला है, तो आज परफेक्शन तो वैसे ही बहुत ही अच्छे आए बाई चांस, कभी कभी होता है। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।